दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बजाज फिनसर्व सुपर क्रेडिट कार्ड के बारे में कि अगर आपके पास बजाज फिनसर्व सुपर क्रेडिट कार्ड है तो उसमें जो पर्सनल लोन का ऑफर कंपनी देती है, ये ऑफर अगर आपको मिल चुका है तो कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको कहाँ पे बात करना होगा और ये लोन आपके अकाउंट में कितने टाइम के लिए आता है, कितना समय लगता है, कितना मंथ के लिए आपको ये लोन EMI के रूप में मिल सकता है, तो पूरा डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। मेरा आपसे विनती है आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना और एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। सो RBL सुपर कार्ड आपको पता है कि ये बजाज फिनसर्व कंपनी देती है, काफी लोग जानते हैं इसके बारे में, बट दोस्तों काफी लोग एक कार्ड को यूज कर रहे हैं, काफी लोग को ऑफर आता है, उन्हें पता भी नहीं चलता है कि हमें प्री अप्रूव ऑफर आया है। अगर आपको प्री अप्रूव अगर कंपनी देती है तो इसमें आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन, आपके पास सामने से उनके तरफ से कॉल आएगा। अगर आपको ये ऑफर आपको अगर आया है तो मैसेज भी आएगा और जैसे आप नेट बैंकिंग के थ्रू लॉगिन करोगे, आप क्रेडिट कार्ड से नेट बैंकिंग बना के लॉगिन करोगे, वहां भी आपको प्री अप्रूव क्लिक करोगे तो वहां पे आपको शो करेगा। इस तरीके से आपको ए लोन मिलेगा। यहाँ पे सवाल आता है कि ए लोन में कितना इंटरेस्ट लगता है। आपको बता दूं कि ए जो लोन होता है पर्सनल लोन के मुकाबले इसमें इंटरेस्ट ज्यादा लगता है। आपको पता है कि ए क्रेडिट कार्ड के बेस पे मिल रहा है और इसमें आपकी जो लिमिट है वो ब्लॉक नहीं होती है। विदाउट लिमिट ब्लॉक किए ए आपको मिलता है प्री अप्रूव। आपको 1 लाख से लेके 5 लाख तक का आपको लोन मिलता है और 12 मंथ से लेके आप 3 से 4 साल तक के लिए आप आसानी से ले सकते हैं। यहाँ पे अब क्वेश्चन आता है कि अगर ये कार्ड हमें, अगर इसका लोन जो है अगर हमें ऑफर में आया है तो इसके लिए हमें पता करने का कोई आसान तरीका जो हमें मालूम चल जाए। अगर आप इस कार्ड को यूज कर रहे हैं, अगर आपको पर्सनल लोन ऑफर आया है, आपको पता करना है, आप अगर नहीं जान पा रहे हो कि कैसे पता करें, इसके लिए आपको सुपर क्रेडिट कार्ड RBL बैंक का जो कस्टमर केयर नंबर है आपको साइड में दिख जा रहा है, इस पर कॉल करना है। आपको वहां पे पूरा डिटेल्स बताना है, वेरिफिकेशन करवाना है, आपको बताया जाएगा कि आपको प्री अप्रूव ऑफर है कि नहीं है, इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोग काफी टाइम से कमेंट में पूछते हो कि हम काफी टाइम से ये कार्ड यूज कर रहे हैं, हमें कोई ऑफर नहीं आया, 1 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, तरह तरह के सवाल आते हैं। तो मैंने अपने एक वीडियो में आपको बताया था कि कोई भी प्री अप्रूव ऑफर होता है ये कंपनी और बैंक पर डिपेंड करता है, इसमें किसी का कोई रोल नहीं होता है। आपका ट्रांजैक्शन कैसा, आपका व्यवहार कैसा है, आप किस टाइप के ट्रांजैक्शन कर रहे हो, कहाँ पे कार्ड यूज कर रहे हो, इसमें आपका सब कुछ ही देखा जाता है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि अगर ये जो कार्ड है अगर हमें मिल जाता है तो इस कार्ड के लिए कितना टाइम वेट करना पड़ेगा प्री अप्रूव ऑफर के लिए पर्सनल लोन। इसके लिए कोई टाइमिंग नहीं है, कोई डेट नहीं है, आपको 6 मंथ से लेके 1 साल में आ जाएगा, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल भी लग सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। मुझे ये ऑफर जब आया था तो मुझे 9 मंथ से लेके 1 साल के समथिंग जो है था आया था, तो मैंने इस ऑफर को नहीं किया था और एक बार मैंने लिया भी था। टाइम से बिल भरोगे तो आपको ये ऑफर जल्दी आते हैं। तो काफी लोग इस कार्ड के बारे में कमेंट में लिखते हैं, भाई ये बहुत बेकार कार्ड है, मत लेना। देखिए भाई, क्रेडिट कार्ड अपने आप में एक अलग चीज है। जो लोग कार्ड यूज करते हैं, ढंग से पेमेंट करते हैं, जो लोग कार्ड के बारे में समझते हैं उनके लिए तो वेस्ट है, अच्छा है, जो लोग नहीं समझते हैं उनके लिए तो बेकार है। तो यही है इसका फुल रीजन कि आपको कैसे ऑफर मिलता है। तो शायद आप समझ चुके होंगे, मैंने आपको स्क्रीन पर नंबर भी दिया है, कस्टमर के लिए बात के पता कर सकते हैं। ये कार्ड अगर किसी को मिलता है इसे जरूर लेना, इस कार्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बातें आप समझ लो, क्योंकि ये कार्ड आपको मिल जाएगा तो इसके थ्रू आपका सिविल जनरेट होगा और आपको और बैंक कार्ड मिल सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।